भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के खरगोन और पंधाना की बाउंड्री पर आज सुबह से ही किसानों ने एक शेर को देखा। आपको बता दें, शेर को देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तत्काल इस बात की जानकारी पंधाना थाना प्रभारी सहित झिरनिया थाना प्रभारी को दी गई, फॉरेस्ट विभाग की टीम को दी गई। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने इंदौर से टीम बुलाई है, क्योंकि शेर को पकड़ने का जो पिंजरा है वो इंदौर से आता है। आपको बता दें, सुबह से ही जो शेर है वो अपने मूड से जगह जगह घूम रहा है। किसान खेतों में काम कर रहे हैं, गेहूं की फसल लगी हुई है, ऐसे में किसानों का खेत में जाना जरूरी है। आपको बता दें, हमने सबसे पहले आपको खबर दिखाई थी कि जो शेर है वो खंडवा के पंधाना और झिरनिया बाउंड्री पर घूम रहा है, लेकिन आपको बता दें कि शेर के हमले में एक युवक घायल हुआ है। संतोष नाम का गवला गांव का है, 30 साल इसकी उम्र है। अचानक शेर ने इस पर हमला कर दिया जब ये खेत पर काम कर रहा था। पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, ग्रामीणों की भीड़ भी रही। एम्बुलेंस की मदद से उसे खंडवा जिला अस्पताल लाया गया, जहां पंधाना विधायक राम दांगुड़े ने उनका हालचाल जाना और इंदौर फॉरेस्ट विभाग की टीम को तत्काल शेर को रेस्क्यू करने के लिए बोला। हालांकि उन्होंने सुबह बोल दिया था। आपको बता दें कि इंदौर से टीम निकल भी गई है, खंडवा फॉरेस्ट विभाग की टीम भी पहुंच गई है। सभी से अपील की जा रही है कि फिलहाल जब तक ये शेर पकड़ा नहीं जाता तब तक आप खेतों में ना जाएं, लेकिन क्योंकि गेहूं का समय है, किसान को किसान की फसल खेत में खड़ी है, ऐसे में किसान खेत में जाता ही है। लेकिन हम भी आपसे अपील करते हैं कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, शेर है, शेर का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। और आपको बता दें कि शेर इस समय बिंदास घूम रहा है, आप देख भी सकते हैं गेहूं की फसल में वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़ारा खंडवा के पंधाना और झिरनिया क्षेत्र का है। यहाँ जो बाउंड्री है गवला और आपको जो गांव लगे हुए हैं, कुछ खंडवा के हैं कुछ झिरनिया के हैं, वहाँ पर ये लगातार मूवमेंट कर रहा है। कि सभी किसानों से अपील है और जो जंगल में रहते हैं या आसपास के गांव वाले हैं, कृपया वो अपना ध्यान रखें, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना भेजें, घर में रहें, जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तब तक आप अपना ध्यान खुद भी रखें। रुमाल बांध लो, रुमाल बांध लो, अरे रुमाल बांध लो, क्या जरा चो बोला साहब, मेरे को लगा आप लपेटे में आ गए वहाँ क्या साहब, साहब इधर देखो डिप्टी साहब, अरे मैं बोला था वो भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं।